सीमा हैदर ने एटीएस के सामने उगले कैसे राज, एटीएस के किन सवालों के नहीं दे पाई जवाब, सीमा हैदर आखिर क्या छुपा रही है। पाकिस्तानी युवती सीमा हैदर जो अपने प्यार की खातिर सरहद पार पाकिस्तान से चोरी छुपे भारत चली आई, उस पर अब जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता ही जा रहा है। उसके खिलाफ जांच जारी है और हर पहलू से जांच की जा रही है। चर्चाएं हैं कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, जो ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन के प्यार में चार बच्चों की मां होते हुए भी उससे शादी के लिए भारत चली आई, वो ISI की एजेंट भी हो सकती है, जो बहकाने और बरगराने के लिए अपने सचिन के प्यार का सहारा ले रही है। हालांकि अब तक की जांच में ऐसा कुछ साबित तो नहीं हुआ, लेकिन जांच एजेंसियां किसी भी बात की संभावना से अभी इनकार करने की स्थिति में नहीं है। इस संबंध में जब उत्तर प्रदेश के स्पेशल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की गई, तो उन्होंने पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में सभी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ये मामला दो देशों से जुड़ा हुआ है, जब तक पर्याप्त सबूत ना हो तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। वह एक बार जेल जा चुकी है और अब जमानत पर है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। कहीं कोई टीम नहीं जा रही है, इसमें जांच टोटल गलत है। सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही है। क्या लग रहा है, पाकिस्तानी जासूस है, संदिग्ध क्या लग रहा है? नहीं, अभी अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही, क्या? नहीं नहीं, वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर, वापस रिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। पाकिस्तानी युवती सीमा हैदर से UP ATS दो दिन में लगभग 16 घंटे लंबी पूछताछ कर चुकी है। इस पूछताछ को लेकर चर्चाएं हैं कि ATS को इस बात का संदेह है कि सीमा उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसकी एजुकेशन और अपने कॉन्फिडेंस को लेकर भी वो संदेह के दायरे में है। बताया जा रहा है कि महज पांचवी जमात तक पढ़ी सीमा हैदर ATS टीम के सवालों के धड़ाधड़ जवाब दे रही थी, उसमें कोई हिचक नहीं देखी गई। ऐसे में चर्चा है कि उसके खिलाफ जांच को ज्यादा सावधानी से आगे बढ़ाया जा रहा है। UP ATS के अधिकारियों ने सीमा हैदर से कुछ कोडवर्ड्स के बारे में भी जानकारी मांगी। चर्चाओं के मुताबिक उससे ये पूछा गया कि भारत आने के दौरान या यहाँ पर रहने के दौरान उसने कभी फल या फूफी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसी के साथ किया। दरअसल ये पहले ISI का कोड लैंग्वेज रहा है, जिसमें फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो अपने देश से जुड़ी जानकारियां ISI तक भेजता है, जबकि फल शब्द का इस्तेमाल ISI रुपयों के कोड के तौर पर करता रहा है। UP ATS ने उससे ये भी पूछा कि एक पाकिस्तानी होते हुए भी वो कैसे उर्दू का इस्तेमाल नहीं करती और कैसे इतनी साफ हिंदी बोल लेती है। साथ ही उससे एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू तीज त्योहार और रीति रिवाजों की इतनी अच्छी जानकारी होने के बारे में भी पूछा गया। इसके अलावा UP ATS की पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा ये हुआ कि सीमा ने कुछ सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सीमा हैदर से अब तक हुई पूछताछ में उससे जब ये पूछा गया कि इसे ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव तक पहुंचाने में किस किसने मदद की, तो वो इसका सही सही जवाब नहीं दे सकी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।